खालसा महोत्सव आज से शुरू होने जा रहा है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के हाथों इसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही सुप्रसिद्ध गायक सुखविंदर का लाइव कॉन्सर्ट का आयोजन भी किया गया है। इसी उपलक्ष्य में पत्रकारों से चर्चा के दौरान सुखविंदर सिंह ने कहा कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, कला में राजनीति को नहीं लाना चाहिए। सुखविंदर सिंह खालसा महोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को नागपुर पहुंचे। इस दौरान वे पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। संगीत की सरहदें नहीं होती हैं, संगीत भी परिंदे की तरह है जिसे कोई सरहद नहीं रोक सकती है। संगीत ऐसी संस्कृति है जिसकी वजह से कई चीजें आसान हो जाती है। संगीत न केवल मोटिवेट करता है बल्कि संगीत आत्मा को भी भाव विभोर कर देता है। उक्त विचार गायक चकदे इंडिया फेम बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर सिंह ने प्रेस क्लब में व्यक्त किए। गुरुवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नागपुर उनका पसंदीदा शहर है, उन्हें नागपुर की संस्कृति और बहुत भाते हैं। नेपोटिज्म के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो कभी नेपोटिज्म नहीं हुआ, इस पर ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है और यहाँ का प्रेस क्लब काफी अट्रैक्टिव है तो है। सुखविंदर सिंह, एब्सोल्युटली आई वुड लव टू स्पीक माय नेम अनो अपार्ट फ्रॉम जोक कि जो संस्कृति है, संगीत एक संस्कृति है, इससे इसकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। वी बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, लोगों का मनोरंजन होता है। फिर इसके कई और भी तरह के स्वरूप हैं, मेडिटेशन है और अपना एक पूजा पाठ में भी संगीत का इस्तेमाल होता है, दुआओं में, और मोटिवेट करता है। तो संगीत को परफॉर्म करने वाले कहते हैं द वर्ल्ड इज नोन फॉर स्पेशल पीपल एंड स्पेशल पीपल आर वेरी फ्यू, वो बहुत रेयर होते हैं जो किसी के दिलों पे, किसी के जहन पे, किसी की आत्मा को विभोर कर सके। सुखविंदर सिंह ने कहा कि संगीत ही उनके लिए सब कुछ है। रियलिटी शो के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह बगिया फूलों से भरा हो तो उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसी तरह नए गायक भी हैं। रियलिटी शो प्लेटफॉर्म बेहतरीन है लेकिन बहुत कम लोग ही होते हैं जो सबके दिल में जगह बना पाते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अलग ऑडियंस है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार रखता हूँ, कभी भी अपनी कामयाबी पर घमंड नहीं किया और ना करूँगा। मुझे एआर रहमान ने लॉन्च किया है, अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। किसी भी राज्य के फोक संगीत में चार्म जरूर होता है। ऑस्कर अवार्ड के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे देश के समारोह इंटरनेशनल से कम नहीं है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।